नहीं, रोजगार के विषय में मैं स्पष्ट करना चाह रही हूँ, किसी के हाथ में डेटा नहीं है। जो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर डेटा है वो पूरे दुनिया का जो डेटा होना चाहिए वो नहीं मिलता। फॉर्मल सेक्टर में थोड़ा डेटा है, इनफॉर्मल सेक्टर में थोड़ा डेटा है, इसीलिए जो एनेक्डोटली सुनने में आ रहे वो लगातार उसको सामने करते हुए कर रहे। मैं सामने आपको बोल रहा हूं, पिछले 12 महीने में क्या माननीय प्रधानमंत्री जी रोजगार मेला के द्वारा 10 लाख लोगों को उनका अपॉइंटमेंट चिट्ठी उनके हाथ में दिलाया नहीं है? जो पीएम मुद्रा लोन के द्वारा छोटे छोटे उनके अपने जॉब चलाने वाले उनको लोन के द्वारा उनको बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए मदद जो मिलता है वो उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्यों ना हो? ऐसे ही रेडी पटरी वाले में जो गवर्नमेंट गारंटी के साथ लोन मिलता है वो उनका अपना चलाते हैं, उनके साथ कोई और भी एम्प्लॉयमेंट में रहते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है? स्टार्टअप में आज 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप रजिस्टर्ड है, उनको कुछ ना कुछ बैंक के व्यवस्था के द्वारा और सिडबी में फंड ऑफ फंड्स के द्वारा जो हेल्प हम कर रहे हैं वो स्टार्टअप चलाने वाले का भी, वो खुद बैठकर चला नहीं पाएंगे, उनके साथ कोई और का एम्प्लॉयमेंट भी होता है, वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है क्या? और आज भारत देश सोलार एनर्जी में, सूर्य ऊर्जा में सबसे बड़ा कैपेसिटी बिल्ड करके सोलार पार्क हर जगह पर बना रहे, उसको स्थापना करने वाले में एम्प्लॉयड लोग नहीं होते क्या? स्टैंड अप के द्वारा गांवों में हर बैंक का हर ब्रांच से शेड्यूल कास्ट लोग को, शेड्यूल ट्राइब लोग को, महिला को उनके अपने कमाई बढ़ाने के लिए जो करते हैं उनके लिए लोन जो मिलता है वो उनके एम्प्लॉयमेंट बढ़ते नहीं है क्या? इसीलिए और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को देख लीजिए, आज एक भी अपार्टमेंट तुरंत खरीदने के लिए नहीं मिलता है, सभी उनका इन्वेंट्री खत्म हो गया है। नया मकान बना रहे, नया फ्लैट्स बना रहे, टाउन में बना रहे, छोटे छोटे शहर में बना रहे, ये सब मकान बनाने वाले काम में लोग काम नहीं करते क्या? इसीलिए इसको थोड़ा डेटा आधारित जब तक नहीं बोलोगे बेबुनियाद ही माना जाता है।